नमस्कार, मैं हूं अनुराग। आप देख रहे हैं मेरे साथ बेबाक बात। बेबाक बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। सुरेश जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। जी सुरेश नमस्कार। जी के बारे में बताना चाहूंगा कि सुरेश जी का जन्म हरियाणा मनेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हुआ, उसके बाद मध्य प्रदेश में 78 के जी आसपास सेवेंटी आप एट में 78 में आ जी गए थे, और फिर भोपाल में धुआंधार पत्रकारिता की। राजनीति में भी हाथ आजमाए, लेकिन पत्रकारिता ज़्यादा रास आई। और सुरेश जी जाने जाते हैं एक मुखर वक्ता होने के नाते। सुरेश जी राष्ट्र के मुद्दों पे सदैव लिखते रहे हैं। सुरेश जी, स्वदेश से शायद शुरुआत की आपने। जी मैंने 89 में, दिसंबर 89 में, या यूं कहें जिस दिन स्वदेश ऑफसेट पर आया था उस दिन मैं पत्रकार बना था। और उसके बाद से जो है मुझे सबसे पहली जो जिसको अपन पोस्टिंग कहते हैं अखबार की बीट जो मिली थी वो कॉमर्स रिपोर्टर की मिली थी। और एक ऐसा वातावरण उस समाचार पत्र का मध्य प्रदेश में बना था कि जो वो कहा जाता था उसमें लिखा जाता था वो विश्वसनीय माना जाता था। और कई बार हमारे यहाँ के भोपाल के कलेक्टर्स ने अपने स्वदेश की खबरों के बाद कार्रवाई करने की बात की और व्यापारियों ने जब कहा कि नहीं ये तो सत्यता नहीं है तो उन्हें यही कहा। वो वो दौर दौर अलग था था एक पत्रकारिता के लिए, कि जो शब्द लिख दिया जाता था वो सत्य होता था, अखबार से जो सुन लिया जाता था वो सत्य होता था। आज मीडिया के सामने विश्वसनीयता का संकट सबसे बड़ा है, और मुझे लगता है ये पत्रकारों के सामने एक बड़ी चुनौती भी है। हम सुरेश जी के बारे में बहुत सारी बात करेंगे। सुरेश जी पत्रकारों के नेता हैं, पत्रकारों की ट्रेड यूनियन नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया महासचिव आप बने, उसके उसके अखिल लिए आपको भारतीय बहुत महासचिव जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुरेश जी का अपना स्वयं का अखबार है शिखर वाणी, उसके आप प्रधान संपादक हैं। सुरेश जी, पहले बात मध्य प्रदेश की करते हैं। मध्य प्रदेश में क्या लग रहा है? ये अजीब सी स्थिति है कि एक मंत्री कहता है कि इस समय जो है दिग्विजय सिंह शासन चला रहे हैं, पर्दे के पीछे वही सब करते हैं। कमलनाथ मुख्यमंत्री बने हुए, वो कहते हैं मैं मुख्यमंत्री हूँ। ज्योतिरादित्य सिंधिया रूठे हुए। ऐसी पहले भी स्थितियां रही मध्य प्रदेश में, लेकिन फिलहाल तो बहुत विषम हालात हैं। देखिए मध्य प्रदेश की राजनीति में पहली बार अनुराग जी ऐसा हुआ है कि त्रिशंकु विधानसभा बनी है। जब से मध्य प्रदेश का गठन हुआ था आज तक कभी भी ऐसी विधानसभा नहीं बनी जिसमें किसी भी दल को चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो स्पष्ट बहुमत मिला। ये पहला ऐसा कार्यकाल है जिसमें क्या कालखंड है लंगड़ी जिसमें सरकार, जिसमें लंगड़ी सरकार मिली है। और लंगड़ी सरकार को चलाने का दायित्व तो जिस व्यक्ति ने उठाया वो अनुभवी है लेकिन उस अनुभव का जो प्रदर्शन होना चाहिए उसका नितांत अभाव है। उसका शायद कारण यह है कि उनके टेम्परामेंट के विपरीत है ये सारी बातें। और उनको शायद ये लगता होगा कि मैं तो एक अलग छवि के लिए जाना जाता हूँ, छिंदवाड़ा मॉडल के लिए जाना जाता हूँ और यहाँ तो मैं मॉडल की बात तो छोड़ दीजिए अपना ही मॉडल नहीं बचा पा रहा हूँ। और कल तो मुझे भी लगा, आज सुबह मैंने इस बारे में लिखा कि एक मंत्री ये कह रहा है कि सरकार पर्दे के पीछे से कोई और व्यक्ति चला रहा है, ये इससे बड़ा संवैधानिक ये संकट संवैधानिक होगा। संकट है। अगर मेरी सरकार है और मेरी सरकार को सुरेश शर्मा चलाते हैं पर्दे के पीछे से, तो ये मेरे लिए भी शर्मिंदगी की बात है, पार्टी के लिए भी शर्मिंदगी की बात है, और संवैधानिक तौर पे भी इसको स्वस्थ परंपरा नहीं माना जा सकता। ये कमलनाथ की सरकार है और पर्दे के पीछे से दिग्विजय सिंह उसको डील कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह एक खत लिखते हैं, सारा का सारा किस्सा हुआ। दिग्विजय सिंह ने एक चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी में लिखा कि मेरे किए गए, मैंने जो काम बताए थे उनका क्या हुआ। मध्य प्रदेश में काम के नाम पे तबादलों के अलावा हालांकि कुछ नहीं हुआ है मतलब। और आप ये देखिए इस पत्र में भी उसी बात का उल्लेख है। उन्होंने अपने पत्र में भी स्पष्ट किया कि मैंने तबादलों के लिए जो काम दिया था वो मेरा हुआ कि नहीं हुआ वो बताइए। मैंने एक चैनल में चर्चा में ये कहा था कि तबादले के लिए इस तरह थोड़ी पूछा जाता है, यानी तबादलों के लिए तो इसके लिए तभी पूछा जा सकता है जब उसके पीछे कुछ हिडन एजेंडा हो। मुझे लगता है इस सारे मामले में एक चीज अनुराग जी मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ वो ये है कि मध्य प्रदेश की सरकार जो है वो कांग्रेस के लोग ही अस्थिर कर रहे हैं। आज तक के मेरे पत्रकारीय इतिहास में, मेरे को तीसरा दशक है ये, उस तीसरे दशक में सरकार की तरफ से सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे। हमेशा विपक्ष लगाता है या मीडिया लगाता है। मीडिया के पास तथ्य आते हैं तो वो छापता है, दिखाता है, प्रकाशित करता है, लेकिन यहाँ तो सरकार कह रही है कि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, हम तो शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, चाहे गोविंद केपी सिंह, सिंह, चाहे केपी सिंह हो या गोविंद सिंह। मैं आपको सुरेश जी की बात से याद दिलाना चाहूंगा। ग्वालियर चंबल के दो कद्दावर नेता हैं, केपी सिंह जो शिवपुरी जिले से आते हैं, गोविंद सिंह भिंड जिले से आते हैं। एक ने कहा कि हमारी सरकार में लूट खसोट जारी है, उनके शब्द ये थे, केपी सिंह साहब का कहना था। गोविंद सिंह साहब कहते हैं कि मैं शर्मिंदा हूं कि मेरी सरकार में मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। नहीं, इसका तात्पर्य क्या है? मैं आपको एक छोटे छोटे दो तीन उदाहरण देता हूं। या मुझे ये लग रहा है कि जो अर्जुन सिंह जी के साथ हुआ था वैसा ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ करने की रणनीति है। अर्जुन सिंह जी के साथ ये हुआ था कि जब उन्होंने तिवारी कांग्रेस बनाई थी और जबलपुर में उन्होंने अधिवेशन किया था तो ये दावा था हम लोगों के सामने कि 11 विधायक दिग्विजय सरकार में से जो है समर्थन मुझे देंगे, लेकिन केवल इंद्रजीत पटेल गए।
मुझे ये लग रहा है कि जो मैंने ग्वालियर के अपने पत्रकार मित्रों से बात की तो उनने मुझे ये कहा कि भाई साहब यहाँ स्थिति ये हो रही है कि जो सिंधिया समर्थक हैं उनको लूट की छूट दी है, ताकि सिंधिया यदि बाई दी वे भाजपा में शिफ्ट होते हैं तो इनमें से अधिकांश को रोका जा सके सरकार के नाम पर। तो मुझे लग रहा है कि सिंधिया जी को एक बड़ी चुनौती देने के लिए ये लूट की छूट है। दूसरा जो है, मैंने एक बात ये कही कि क्या सिंधिया जी को अलग करने के नाम पर जो गठजोड़ दिग्विजय सिंह जी का और कमलनाथ जी का हो रहा है, उस गठजोड़ में सिंधिया का खेमा प्रवेश कर रहा है क्या? क्योंकि आप देखिए, कमलनाथ मौन है, सिंधिया ये कह रहे हैं कि यदि मेरे बारे में निर्णय नहीं लिया गया तो मैं जो है त्यागपत्र दे दूंगा या वगैरह वगैरह। और लेकिन सिंधिया के समर्थक जितने भी मंत्री हैं, उमंग सिद्धार का अपन देख सकते हैं, वो सीधे दिग्विजय सिंह पर अटैक करते हैं। तो मुझे कई बार ये उमंग सिंघार को हमें ऐसे भी समझना पड़ेगा कि जब उमंग सिंघार की बुआ जी जमुना देवी मध्य प्रदेश में डिप्टी सीएम हुआ करती थी, तब दिग्विजय सिंह की तरफ से उन्हें काफी परेशान किया जाता था, ऐसा बड़ा कहा जाता है। बड़ा अजीब सा स्टेटमेंट था उनका, उन्होंने कहा था कि मैं दिग्विजय के तंदूर में जल रही हूँ। ये जमुना देवी जी बहुत मुखर नेता थी, तो एक आदिवासी महिला होने के बाद जबरदस्त मुखर नेता थी और बहुत सम्मानित थी, अपनी बात के लिए जानी जाती थी और जो कह देती थी उससे वो दिखती नहीं थी। नहीं, उनकी सबसे एक और विशेषता, ये तो आप जो कह रहे हो ये सब मैं प्रमाणिक से कह रहा हूं कि यही था जो वो करती थी, लेकिन एक बात मैं और कहूं कि जब वो एकांत में चर्चा करती थी, आपसे व्यक्तिगत चर्चा करती थी, तब वो इतना सब ओपन करती थी। वो ये कह देती थी कि साहब ऐसा हो रहा है और ये तो भाई हो ही नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, हमें तो अपनी सरकार की इज्जत बचानी है। इसलिए हमने आपको तो बता दिया। मुझे लगता है कि उस समय से उमंग सिंघार छोटे रहे होंगे, जमुना देवी जी के बंगले पे रहते थे अपने मित्र मंडली के साथ, उमंग सिंघार विधायक भी नहीं बने थे उस दौर में, तो मैं तब से उनको देख रहा हूँ। वो पीड़ा कहीं ना कहीं उनके अंदर है कि उनकी बुआ ने जो भोगा है वही दिग्विजय सिंह जी शायद फिर अब कर रहे हैं। आज मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि एक वरिष्ठ पत्रकार शिवनराग पटेरिया जी ने इसके ऊपर एक फेसबुक पर टिप्पणी की। हमने उनको फोन किया, हमने कहा भाई साहब हम इसमें से खबर उठाना चाहते हैं, तो उन्होंने क्या दिक्कत है, ये तो सार्वजनिक हो चुकी बात। तो हमने अपना शीर्षक लगाया कि बुआ जी के तंदूर में जलने की घटना पर पानी डाल रहे हैं भतीजे, यानी कि आज भतीजा जो है उसका बदला ले रहा है और इस बदले की आग में कांग्रेस पार्टी का विश्वास जल रहा है। क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी के सामने सबसे बड़ा संकट ये पैदा हो गया कि आखिर सरकार देने के बाद भी जिस बदलाव के नारे के साथ वो लोग आए थे, वो बदलाव का नारा कहाँ है। हालांकि डैमेज कंट्रोल कांग्रेस ने शुरू कर दिया है, दिग्विजय सिंह भी कह रहे हैं मेरा आशय ये नहीं था, तमाम सारे मंत्री भी आज आ गए हैं कि उमंग सिंघार की बात को गलत तरीके से ली, जबकि उन्होंने बहुत पॉइंट टू पॉइंट बात की, बहुत साफ साफ कहा है कि दिग्विजय सिंह पर्दे के पीछे से सरकार चला रहे हैं, उनको सब कुछ पता है, उन्हें चिट्ठी लिखने की जरूरत क्या है। नहीं, पर आप देखिए अनुराग जी, एक बात आप देखिए कि जब प्रज्ञा ठाकुर बोलती हैं कि एक बाबा मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा कि मारक यंत्र हो रहा है और मिर्ची यज्ञ हुआ था, आप इसका तारतम्य निकालने की बजाय प्रज्ञा के मुंह में बात डालते हैं कि नहीं, प्रज्ञा ने तो यही कहा था कि कांग्रेस जो है, विपक्ष जो है, मारक क्षमता का उपयोग कर रहा है, मारक शक्ति का उपयोग कर रहा है। आप इधर वाले मामलों में ऐसे अर्थ क्यों नहीं निकालते? यानी मीडिया जो है दोनों तरफ से समान जो है विचार रख करके चलता है। यदि प्रज्ञा जी के मुंह से गलत सेंटेंस निकलते हैं तब भी, दिग्विजय सिंह जी के मुंह से गलत सेंटेंस निकलते हैं तब भी, और उमंग के मुंह से निकलते हैं तब भी, मीडिया तो भेदभाव नहीं कर रहा। आप अपना अपनी चमड़ी बचाने के लिए और मीडिया के ऊपर आक्षेप लगाते हैं कि उन्हें मेरा अर्थ गलत निकाला। आप ऐसा बोलते ही क्यों हो जिसका गलत अर्थ निकलता है? सीधी बात करिए, सबसे बात करिए। आप जो कह रहे हैं साफ साफ कहिए और साफ साफ बता दीजिए कि इसका अर्थ ये है। जब चीजें प्रकाशित होती है, जब उनका प्रसारण होता है और जब लगता है कि अब हमारे सिर पर गाज गिरने वाली है, तो नेता बड़ी चतुराई से मीडिया के ऊपर ढोल देता है, मीडिया ने गलत किया है, मीडिया बिका हुआ है, वो बीजेपी का आदमी है, ये कांग्रेस का आदमी है, मीडिया के ऊपर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं। नहीं, पर मीडिया पर आरोप लगाना तो बेवकूफाना है, मैं मानता नहीं। होता है भी, होता है। मालूम है, मैं तो रोज देखता हूँ ना, मुझे तो रोज शिकायतें, मैं तो रोज झेलता हूँ। हाँ, रोज शिकायतें आती है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है। ये मुझे ये लग रहा है कि मीडिया इतना ताकतवर है देश का कि वो राजनीति पर लगाम कस रहा है और उस लगाम से ये लोग भयभीत हो रहे हैं, क्योंकि इनकी सारी पोलें तो मीडिया ही बताता है ना। तो मैं तो बार बार इस बात को कहता रहता हूं कि मीडिया सर्वाधिक विश्वसनीय है। अनुराग जी, आप एक सेकंड का, दो तीन सेकंड में मैं एक किस्सा सुनाता हूं, बहुत जबरदस्त है। उन्होंने कहा कि कोई भी ब्यूरोक्रेट यदि कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेता है तो दूसरे दिन से प्रोटेक्शन में आ जाता है। कोई भी न्यायाधीश यदि कोई बड़ा निर्णय सुनाता है दूसरे दिन से प्रोटेक्शन में आ जाता है। कोई भी नेता यदि कोई 370 जैसा निर्णय लेता है दूसरे दिन से प्रोटेक्शन में आ जाता है। लेकिन हमारा अनुराग उपाध्याय जिस दिन बड़ी से बड़ी धुआंधार खबर करता है उसके बाद सवेरे उसको नई खबर लाना है, कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता। हमने तो सर्वाधिक विश्व नहीं, हमने तो मेरा यही बात है। कोई भी हमारा
हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का प्रोटेक्शन नहीं है, हमें कोई सहारा नहीं मिलता, हम दूसरे दिन उसी काम के लिए लग जाते हैं। इसका मतलब होता है कि हम जनता के बीच में सर्वाधिक विश्वसनीय यदि कोई पक्ष है तो वो चारों स्तंभों में से मीडिया है। इसलिए कभी भी मीडिया के बारे में टिप्पणी जब मीडिया की जाती है टिप्पणी करते हैं, और हम अब तो सुनने के आदि हो गए, हमारी सेहत पर असर नहीं पड़ता। पहली चीज, हमें अपना काम करना है, हम अपना काम करते रहेंगे। हमारा काम है आईना दिखाना। अब शक्ल आपकी खराब है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? कांच क्यों तोड़ रहे हो आप? कांच आईना क्यों तोड़ रहे हो आप? आईना, आप अपनी शक्ल को ये कहो कि मैंने जो कल बोला था आपने गलत तरीके से पेश किया, इसका मतलब तो ये हो गया कि आईना साफ कर रहे हो। दिग्विजय सिंह के बारे में क्या राय है आपकी? नहीं, दिग्विजय सिंह देखिए जनाधार वाले नेता हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत जनाधार वाले नेता हैं, पर पता नहीं उनकी जबान पर क्या बैठा हुआ है कि उन्हें खड़ा कराया। बहुत जनाधार था तो भोपाल में हार जाते क्या? नहीं, ये जो इनकी जो जवान है इसने उन्हें नुकसान पहुंचाया है। यदि मुझे लगता है, मैंने दो जगह सोशल मीडिया पर टिप्पणी की है कि शायद उन्होंने सुपारी ले रखी है कांग्रेस को निपटाने, मुझे लगता है कांग्रेस को समाप्त करने की यदि कोई बड़ी भूमिका निभा रहा है तो दिग्विजय सिंह निभा रहे हैं। वो पता नहीं क्यों, वो तो ऐसे थे ही नहीं, मुझे तो अजीब लगता है। दिग्विजय सिंह ऐसे नहीं थे, कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुरेश शर्मा उनसे सवाल करते थे, हम लोग साथ होते थे, एकांत में दिग्विजय सिंह आके बात किया करते थे। लेकिन अब दिग्विजय सिंह बदल गए और उनकी तमाम सारे बयान बड़े संदिग्ध से लगते हैं कि इन बयानों के पीछे उनकी कौन सी रणनीति छुपी हुई है। सुरेश शर्मा से हमारा बातचीत का दौर जारी रहेगा, फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. आपने तो 71 से लेकर 62 तक और फिर कारगिल तक सारे दौर देखे, इस दौर में सबसे ज्यादा ताकतवर सरकार किसकी नजर आई? अब जो कुछ भी कह लीजिए, जो कुछ भी गाली दे लीजिए, लेकिन बात यह है कि उस महिला ने वो करके दिखाया जो हमारे किसी मर्द ने नहीं किया। फिर दो चीजें निकल के आई कि ढोर चराएं और बाजा। मध्य प्रदेश पूरे देश में नंबर एक पर है बेरोजगारी के नाम पर, तो आज कमलनाथ जी का धन्यवाद देना चाहिए कि उनकी सोच हर तबके के बच्चे के लिए, पढ़ा लिखा भी और अशिक्षित। तमाम मंत्री, उनके तमाम प्रवक्ता एक ही बात कहते हैं कि बीजेपी झूठ बोलती है, बीजेपी झूठ बोल के लोगों को गुमराह कर रही है। मैं आरोप झूठा लगाऊं या आप मेरे पर झूठा हो, लेकिन जो सुन रहे हैं वो तो सत्य समझ। कमलनाथ जी का भविष्य कैसा दिखता है? 27 जुलाई की मैं तारीख को आपके सामने कह रहा हूं कि इसके बाद ये सरकार मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबे समय सर्वाइव कर पाएगी। आप नेता से पहले कवि हैं। इस देश में दो किस्म की संस्थाएं, एक अवार्ड देती हैं, दूसरी अवार्ड लौटाती हैं। दरिया हमारे पास है, समंदर तलाश करें। अगर सारी बीजेपी से नहीं होती तो शायद उनकी जमाना जब्त हो जाती। पिछली बार भी मोदी को ही वोट दिया, तब सारी दुनिया चाहती थी, सारा देश ये चाहता था कि मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, और मोदी लहर थी, और इस बार मोदी जी के लहर के साथ साथ विकास की लहर थी, दोनों मिलकर आंधी बनी है। मकान को घर बनाना, मुझे लगता है इसमें सबसे ज्यादा ताकत है। शरीर तो होता है मकान, लेकिन घर बनाने में दिल लगाना पड़ता है। लड़कपन के कारण तो ऐसा नहीं हुआ, पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया कि ये बहुत लड़ते हैं, पता नहीं मंत्री बन गए तो क्या कर देंगे? ये इसमें कहां क्यों नहीं दिया, इसका कभी कोई जवाब नहीं मिला। हमेशा ये बात हुई कि नहीं आगे देंगे, ये देंगे, वो देंगे। राहुल गांधी तो अभी भी कह रहे हैं कि कांग्रेस में बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। नहीं, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत सालों बाद एक कोई ऐसा अध्यक्ष कांग्रेस में बना है जो इस तरह के विचार रखता है। संजय जी, जी बहुत मास के बीच में, पब्लिक के बीच में सबसे अच्छा गाना आपको कौन सा लगता है? ये मेरा दीवानापन या मोहब्बत का स्वरूप। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। विभागवाद में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा इस समय स्टूडियो में मौजूद है। सुरेश जी, आपको याद होगा
बहुत पुरानी बात है, अचानक एक बार मनमोहन सिंह जी मिलने के लिए आए हुए थे मेरे पास में, और क्योंकि जैसा सुरेश जी ने बताया कि इनकी शुरुआत बिजनेस फील्ड से हुई, आपने पहली खबर भी शायद व्यापार को लेकर लिखी थी, उस समय मुझे एक ही नाम याद आया कि कौन मनमोहन सिंह से इस समय बातचीत कर सकता है, कौन डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे वित्त के विशेषज्ञ से भोपाल में सवाल कर सकता है। तो मैंने सुरेश जी को बुलाया था और सुरेश जी तत्काल कुछ अंतराल के बाद आ गए, और मनमोहन सिंह इतने सहज आदमी थे कि मैंने उनको आधा घंटा आपको आने में लगा, उनको बैठा के रखा था डॉक्टर मनमोहन सिंह को। आज मनमोहन सिंह जी ने कल एक बात कही कि देश की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा चिंतनीय है, मंदी का दौर चल रहा है, मंदी जिस तरह आ रही है देश के लिए घातक हो सकती है। आप पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते हैं, आप अर्थ के बारे में लिखते हैं, आप देश के बारे में लिखते हैं, आप एक वैचारिक रूप से राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं, वो लगता है कहीं गड़बड़ें चल रही हैं। जो रोजगार और व्यवसाय, इन दोनों में मंदी है और पूरी वैश्विक मंदी है, केवल भारत में मंदी है ऐसा नहीं है। लेकिन मैं छोटी छोटी दो तीन बातें आपके सामने रखूंगा। पहला ये, 2013 में यही मनमोहन सिंह जी जो बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, प्रधानमंत्री थे उस समय, प्रधानमंत्री थे, और उनके जमाने में हमारी जीडीपी जो है वो 4.3% रही और दो तिमाहियों में रही, इसलिए अब तो 5% है, 5.8 का अनुमान था, 5% आई है। सरकार ने इसके लिए काम किए हैं ये दिखाई दे रहा है। एक्चुअल में जो अनुराग जी सोचने वाली बात है और जो समझने वाली है वो केवल ये है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था थी, चाहे शेयर मार्केट की हो, चाहे निवेश की हो, चाहे जो ये निर्माण क्षेत्र की हो जिसको रियल स्टेट कहते हैं, ये हो, ये सब गुब्बारा वातावरण में चली गई थी। लोगों ने फर्जी कंपनियां बना ली थी। आज यदि टैक्स बचाना है तो इधर का पैसा इधर ट्रांसफर कर लिया जाएगा। मैं चर्चा कर रहा था तो मुझे एक जानकार व्यक्ति ने बताया कि नरेश गोयल जी यदि जेट एयरवेज चलाते थे तो वो घाटे में थी, बाकी उनकी जो कंपनियां थी वो मुनाफे में थी। इसका जो पैसा था वो डाइवर्ट करते थे और बैंक के साथ ये फ्रॉड करते थे सारे लोग मिलकर के। मनमोहन सिंह जी के जमाने में सारे बड़े कर्जे भागे जितने लोग हैं वो सारे उनके कार्यकाल में कर्जा लिए हुए थे। क्योंकि कर्जा क्यों दिया गया? आप चाहते थे रोजगार जनरेट हो, विकास की दर बढ़े, हमारी आपकी मनसा साफ होगी। लेकिन उन सारे लोगों ने गद्दारी की है। मैं बार बार एक बात कहता हूं अनुराग जी, जो बहुत बारीक बात है वो ये है कि हमने हमारी नीतियों के अंतर्गत हमारे बाजार को अपने हिसाब से तैयार नहीं किया। चीन का माल आता है, 3 दिन बाद खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो बाजार को फिर से जनरेट करते हैं कि ये खराब हो जाएगी, वो दोबारा खरीदेगा, लालच पैदा हो जाएगी। आपने हमारे उसमें ना गुणवत्ता को आने दिया, हमारे अंदर जो है ना प्रोडक्शन को आने दिया, ना हमारे अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना को आने दिया। आपने केवल हमारी इंडस्ट्री को ये करते रहे कि आपको यदि मध्य प्रदेश में लगाओगे तो टैक्स का फायदा देंगे, जमीन सस्ती देंगे, आप उसको छोड़ के गुजरात चले जाओगे तो वहां भी आपको टैक्स का फायदा देंगे, ये देंगे। मतलब आपने उसको सुविधा भोगी बनाया, जबकि उनको उत्पादन के प्रति समर्पित और मार्केट के प्रति लायल बनाने की मानसिकता को डेवलप नहीं किया आपने। इसके कारण आज हमारी यहाँ स्थिति बनी हुई है। इतनी कंपनियां क्यों बंद हुई हैं नरेंद्र मोदी की सरकार में? केवल इसलिए शेयर कंपनियां थी सारी की सारी, सारी थी। अब एक बहुत और गंभीर बात मैं कहता हूं, देखिए आप कभी भी जो है इस सारी डिबेट्स को देखिए, जो आर्थिक व्यवस्थाओं पर या आर्थिक कमजोरी पर या मंदी पर इन पर डिबेट हो रही है, इसके अंदर कौन बोलता है? वह अर्थशास्त्री बोल रहा है जिसकी, और जिसको अपन ये कहते हैं ना, जिसका जन्म वहां हुआ है विदेश में, रघुराम राजन बोलते हैं। जिस दिन नरेंद्र मोदी ने भारत की बात करना प्रारंभ की कि हमारी इकोनॉमी जो है वो भारत की भावनाओं के अनुरूप चलेगी, छोड़ करके चले गए अनुपम राजन। जिस दिन ये कहा कि आप जो है रेपो रेट क्यों नहीं घटा रहे हो, आप भाई रेपो रेट घटाने से आपको और मुझे फायदा होना है, लेकिन आपको और मुझे फायदा नहीं देने की बजाय आपसे ज्यादा ब्याज लेकर के बैंकिंग इंडस्ट्री को फायदा देने वाले और इमीडिएट जो है उर्जित पटेल छोड़ के चले गए। और आप ये देखिए शशिकांत दास आए हैं तो उनने 3 बार घटा दिया, उसका लाभ आम उपभोक्ता को मिल रहा है, कौन सा बैंक घाटे में आ गया? कुल मिलाकर के यदि इसका निचोड़ करा जाए तो ये करा जाए, नरेंद्र मोदी के आने के बाद में भारत की अर्थव्यवस्था भारत की भावना स्वदेशीकरण की ओर जा रही है, और एक भी भारतीय अर्थशास्त्री ने इस अर्थव्यवस्था के में बदलाव की आलोचना नहीं की है। एक लाइन और बोलने की, मैं मनमोहन जी वाली बात पे भी आऊं, एक लाइन और, नेहरू जी की आर्थिक नीतियां 40 से 42 वर्ष तक देश ने स्वीकार की है, मनमोहन जी की 5वें वर्ष बाद ही आलोचनाओं में आ गई थी। इसलिए अनुराग जी मैं बार बार ये सोचता हूं, आज एक बड़ा अर्थशास्त्री ये कहता है जीडीपी गिरेगी 2%, क्यों नहीं गिरेगी?
जब हम व्यवस्थाओं को बदल रहे हैं, जब रेलगाड़ी ट्रैक बदलती है तो अपने आप धीमी होती हो, लेकिन जब अच्छी वाली पटरी पर चली जाती है तो स्पीड अपने आप दौड़ेगी। उम्मीद रखना चाहिए। और मनमोहन सिंह जी के बारे में तो बहुत सारी बातें होती रहती हैं, मैं तो बस इतना जिक्र कर रहा था कि मनमोहन जी का शासन था जब गमलों में गोभियां उग जाती थी। हाँ, तब क्या है, तब जब छोटी छोटी जमीन में 100 करोड़ का माल हो जाता था और गमले में करोड़ों की गोभियां उग जाती थी। ये हमारी अर्थव्यवस्था का पैमाना है, तो फिर हम क्या उसकी चर्चा करें। लेकिन आपने उनका एक सवाल पूछा था, मुझे उनका एक वाक्य बड़ा जबरदस्त याद है। जब आपने मुझे कहा कि आप इंटरव्यू लेने आना, तो मैंने सोचा कि इतने बड़े आदमी का इंटरव्यू लेने की मेरी हैसियत तो नहीं है, तो मैं वापस चला गया था। लेकिन जब फिर आपका संदेश आया कि आपको तो आना है और आप ही को इंटरव्यू लेना, तो मैं आया। और जब मैंने इंटरव्यू समाप्त किया और समाप्त करने के बाद जो है मैंने मनमोहन जी को धन्यवाद दिया और हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया, तो उन्होंने मना कर दिया, रुको। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि इतना बड़ा आदमी भाई मेरे छोटे से आदमी से क्यों हाथ मिलाएगा। मैं तो कोई बहुत नामचीन पत्रकार भी नहीं हूं और उस समय तो मैं बिल्कुल नया नया ही था। बाद में उन्होंने अपना रुमाल निकाला, माथा पूछा, माथा पूछने के बाद मेरे से कहने लगा, मैंने विश्व भर में इंटरव्यू दिए हैं लेकिन आज जो इंटरव्यू मेरा हुआ उसने मुझे पसीना ला दिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, दिल्ली आओ तुम, ये आपको याद है। ये आपकी गलती थी, मैं वहीं था, छोटा सा स्टूडियो हुआ करता था, उस समय बहुत तकनीकी सुविधाएं नहीं होती थी, छोटे स्टूडियो में काम करते थे, लेकिन बड़े लोग तब भी आते थे, आज भी बड़े लोग। सुरेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। सुरेश जी, अब बात मध्य प्रदेश में, ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी को झटका लगा और ये जो लंगड़ी सरकार जिसकी हम बात कर रहे थे ये बन गई। स्थितियां बहुत अच्छी थी, गरीबों के लिए बहुत काम हो रहे थे, सब कुछ अच्छा था, तो फिर ऐसी कौन सी राजनीति हुई कि बीजेपी से मोहभंग हुआ लोगों का? नहीं अनुराग जी, लोकसभा चुनाव का परिणाम ये कहता है बीजेपी से मोहभंग नहीं हुआ। एक्चुअल में क्या हुआ, हाँ वही तो, मैं बहुत ईमानदारी से एक बात कहना चाहता हूँ जो शायद कोई बोलने में संकोच करता है। मुझे लगा कि बीजेपी जो है वो शिवराज में समा गई थी और बीजेपी को बीजेपी रहने नहीं दिया गया। चहुं और शिवराज जो है सब शिवराज है। मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं में इसका बड़ा निराशा भाव हुआ। जब 2-3 बार कार्यकर्ता सम्मेलन हुए, उन कार्यकर्ता सम्मेलनों में यही ध्वनि निकल करके आई कि भाई ये बताइए कि हमारी आजीविका नहीं चल रही है, लोग मालदार हो रहे हैं। जो व्यक्ति रामलाल जी आए थे, रामलाल जी ने एक बहुत बढ़िया बात भोपाल में बोली थी, उन्होंने कहा मैं समझ गया मध्य प्रदेश भाजपा की समस्या क्या है। मध्य प्रदेश भाजपा की समस्या ये है कि जो दल के करीब लोग हैं वो दूर हैं, जो दिल के करीब लोग हैं वो नजदीक हैं। एक नारा खूब चला था कि मोदी तुझसे बैर नहीं पर मामा तेरी खैर नहीं। ये सब जगह चला, राजस्थान में भी यही चला था, मध्य प्रदेश में शायद इसका कम प्रचार हुआ, लेकिन शिवराज जी के प्रति आज भी आकर्षण है, जबरदस्त आकर्षण है। लेकिन कमलनाथ जी की सरकार बनने के बाद तो आकर्षण वापस पैदा हो गया। लेकिन मैं अभी भी ये मान करके चलता हूँ, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो ये प्रयोग किया है शिवराज को दूर करके किसी और को लाने का, मुझे लगता है एक बार उसकी समीक्षा करना चाहिए और उसकी समीक्षा का लाभ हो सकता है, क्योंकि ये भाजपा की गलती है कि एक व्यक्ति को इतना बड़ा बना दिया। आप बिल्कुल इतना बड़ा मत बनाइए। मैं तो आज यहाँ से आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि यदि संघ और भाजपा नरेंद्र मोदी को इतना बड़ा बना रहे हैं, इसके लिए भी उनको पछताना पड़ेगा एक दिन बाद में आकर के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो कल्चर रहा है वो सामूहिक नेतृत्व का है। देखिए, संघ या बीजेपी की बात करें तो वह संगठन सर्वोपरि होता है और पिछले कुछ समय में देखा गया है कि वहां व्यक्ति बड़ा हो जाता है, कई बार संगठन के सामने आके खड़ा हो जाता है। व्यक्ति को बड़ा करिए, आप अटल जी बड़े हो गए थे लेकिन वो संगठन के प्रति झुकते थे। आज जो है मुझे लग रहा है कि जहां भी देखिए, चाहे शिवराज जी को देख लीजिए, चाहे वसुंधरा जी को देख लीजिए, चाहे नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए, अमित शाह जी को देख लीजिए, संगठन बोना हो गया है। और जब जब भी कैडर बेस्ड पार्टी का संगठन कमजोर हुआ है, उसके कार्यकर्ता को ये विचार आने लग गया है कि अब मैं संगठन के प्रति नहीं बल्कि व्यक्ति के प्रति। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ जो बहुत माकूल लगेगा आपको। जब यहाँ मध्य प्रदेश में संगठन निर्माण हो रहा था, तब यहाँ चुनाव प्रक्रिया जो होती थी वो कार्यकर्ताओं के बीच में होती थी, और जब मेनन जी संगठन मंत्री थे तब ये बात आई कि भाई आप विधायक हो, आप अपना मंडल अध्यक्ष बनवा लो। तो जिस दिन से जनप्रतिनिधि का संगठन होने लगा, यानी संगठन का मुखिया जनप्रतिनिधि का व्यक्ति होने लगा, उस दिन से भाजपा का हिरास शुरू हो गया। मुझे लगता है सारे लोगों ने उसका लाभ उठाया और संगठन जो है वो। शिवराज जी से आपकी बड़ी गुफ्तगू होती है, कभी आपने उनको सलाह नहीं दी कि आप गड़बड़ कर रहे हो, इससे आपका नुकसान होगा? मुझे लगता है कोई इस टाइप की बातें सुनता भी नहीं है और मुझे नहीं लगता कि इस टाइप की बातें कोई कभी करने का ऐसा अवसर मिलता है। तो मित्रता में तो सच बोला जा सकता है, लेकिन आजकल ऐसी परिस्थितियां होना चाहिए। मुझे लगता है जब संगठनात्मक संबंधी बातचीत किसी व्यक्ति से होती है तो आप संगठन की बात करेंगे,
लेकिन जब आपके सामने ऐसा अवसर ही नहीं आता कि आपसे तो खेत की बात करें और तो खलियान की कर सकते हैं, लेकिन नदी नाले की बात कैसे कर सकते हैं, वो अवसर ही नहीं आते। लगता है कि वापस मध्य प्रदेश में सरकार डावाडोल होगी या कुछ होगा, बीजेपी की सरकार बनेगी या कांग्रेस की सरकार चलेगी, क्या सोचते हैं सबको? नहीं, आज तो ये लग रहा है कि सरकार कांग्रेस वाले गिराना चाहते हैं। अभी तक तो हम ये सोच रहे थे, वो दो विधायक जब से तोड़े थे तब तो ये धारणा ही खत्म हो गई थी कि भाजपा सरकार गिरा पाने की हैसियत भी रखती है। लेकिन जिस तरह से गोविंद सिंह जी, जिस तरह से केपी सिंह जी, जिस तरह से उमंग, जो ये युवा लाबी, आप देखिए डॉक्टर हीरालाल अलावा जो चुपचाप बैठे हैं, आप सारी चीजों को, मेरे से तो ज्यादा सक्रिय हो, आप ज्यादा समझते हो, लेकिन बहुत आक्रामक है, वो अंदर 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 ही बहुत धधक रहा है। केवल ये है कि शेरा जी, हाँ, सारे वही है, सारे वही लोग हैं। आप देखिए ना, शुक्ला जी ने भी, जो सब समाजवादी पार्टी के थे, वो भी मैदान में आ गए कि जो है मैडम ने मुझे ऐसा बोल दिया था। तो कुल मिलाकर के आक्रोश जो है इनके भीतर पनप रहा है। अभी इस आक्रोश को टच करने वाला, मतलब आम जो है पक चुका है, उसको उंगली कौन लगाएगा? दिग्विजय सिंह जी लगा रहे हैं उंगली रोज, दिग्विजय क्योंकि जिस तरह की चीजें दिग्विजय सिंह जी रोज कुछ ना कुछ करते हैं, वो उनका हो ही, पता नहीं उनका क्या मिशन है, किसी की समझ में ही नहीं आता। दिग्विजय सिंह जी, आज मैंने दिग्विजय सिंह के अभिन्न जो मित्र हैं उनको फोन किया और मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ये बताओ राजा साहब का मिशन क्या है। उन्होंने कहा साहब हमें ही समझ में नहीं आ रहा कि आजकल उनका मिशन क्या है, और कई बार तो ये लगता है कि वो जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो इस तरह चिट्ठियां लिख रहे हैं, तो यदि कोई ऑन रिकॉर्ड अपनी सरकार के बारे में बोल रहा है, इससे बड़ी भयावह स्थिति क्या हो सकती है। तो मुझे कई बार डर लगता है कि ये सरकार का कार्यकाल, मैं तो चाहता हूं कि ये सरकार 5 साल रहे ताकि भाजपा वालों को समझ आ जाए कि विपक्ष में रहने की स्थिति पैदा करो तो कैसा लगेगा, लेकिन मुझे लगता है ये लोग सरकार चलाना ही नहीं चाहते खुद। ये लोग सरकार को लेकर बहुत सारे संशय हैं, और मध्य प्रदेश की सरकार, देश की आर्थिक स्थिति, दोनों मसलों पर सुरेश शर्मा जी ने चर्चा की और उनकी जो बेबाक राय थी वो आप सबके सामने आई। सुरेश जी, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, और आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry ready professionals. Join India's premier skill based university, Rabindranath Tagore University. आपने तो 71 से लेकर 62 तक और फिर कारगिल तक सारे दौर देखे, इस दौर में सबसे ज्यादा ताकतवर सरकार किसकी नजर आई? अब जो कुछ भी कह लीजिए, जो कुछ भी गाली दे लीजिए, लेकिन बात यह है कि उस महिला ने वो करके दिखाया जो हमारे किसी मर्द ने नहीं किया। फिर दो चीजें निकल के आई कि ढोर चराए और बाजाओ। मध्य प्रदेश पूरे देश में नंबर एक पर है बेरोजगारी के नाम पर, तो आज कमलनाथ जी का धन्यवाद देना चाहिए कि उनकी सोच हर तबके के बच्चे के लिए है, पढ़ा लिखा भी और अशिक्षित। तमाम मंत्री, उनके तमाम प्रवक्ता एक ही बात कहते हैं कि बीजेपी झूठ बोलती है, बीजेपी झूठ बोल के लोगों को गुमराह कर रही है। मैं आरोप झूठा लगाऊं या आप मेरे पर झूठा हो, लेकिन जो सुन रहे हैं वो तो सत्य समझ। कमलनाथ जी का भविष्य कैसा दिखता है? 27 जुलाई की मैं तारीख को आपके सामने कह रहा हूं कि इसके बाद ये सरकार मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबे समय सर्वाइव कर पाएगी। आप नेता से पहले कवि हैं। इस देश में दो किस्म की संस्थाएं, एक अवार्ड देती है, दूसरी अवार्ड लौटाती है। दरिया हमारे पास है, समंदर तलाश करें। अगर सारी बीजेपी से नहीं होती तो शायद उनकी जमाना जब्त हो जाती। पिछली बार भी मोदी को ही वोट दिया, तब सारी दुनिया चाहती थी, सारा देश ये चाहता था कि मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, और मोदी लहर थी, और इस बार मोदी जी के लहर के साथ साथ विकास की लहर थी, दोनों मिलकर आंधी बनी है। मकान को घर बनाना, मुझे लगता है इसमें सबसे ज्यादा ताकत है। शरीर तो होता है मकान, लेकिन घर बनाने में दिल लगाना पड़ता है। लड़कपन के कारण तो ऐसा नहीं हुआ, पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया कि ये बहुत लड़ते हैं, पता नहीं मंत्री बन गए तो क्या कर देंगे? ये इसमें कहाँ क्यों नहीं दिया, इसका कभी कोई जवाब नहीं मिला। हमेशा ये बात हुई कि नहीं आगे देंगे, ये देंगे, वो देंगे। राहुल गांधी तो अभी भी कह रहे हैं कि कांग्रेस में बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। नहीं, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत सालों बाद एक कोई ऐसा अध्यक्ष कांग्रेस में बना है जो इस तरह के विचार रखता है। संजय जी, जी बहुत मास के बीच में, पब्लिक के बीच में सबसे अच्छा गाना आपको कौन सा लगता है? ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक हाँ।